Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. मम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बाबा किसी ने कत्ल नहीं किया था। उनकी मौत की वजह उनके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखी है। उनकी मौत की वजह तेरी मोहब्बत थी और मत भूलेंगे वो लड़की अपने बाप की भी कातिल है। अकबर का रिश्ता सफिया के लिए आया था, लेकिन जब अकबर ने मुझे देखा तो सफिया को रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको एक बात बतानी थी। जब आप सो रही थी ना, तो बेगम साहबा फोन पे किसी कार से बात कर रही थी। क्या? जिया, सना, तुम? हाँ जिया। जिया, मुझे लगता है कि अब ये दूरियां मजीद नहीं बढ़नी चाहिए। दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। सना, तुम रिजवान को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों के गुलाम बन के रहूंगी पूरी जिंदगी। चाहती हूँ तुम रिजवान को वो सारी खुशियां दो जो मैं कभी भी नहीं दे सकी। मैं तो वैसे भी एक बांझ हो रही हूँ ना, जो चाह कर भी रिजवान को कुछ भी नहीं दे सकी। हेलो जिया। रिजवान, ये सना क्यों रो रही है? जिया, वजह तुम्हें पता तो है। नहीं नहीं रिजवान, उसे मत रोने दो। ये ना हो उसके आंसू हमारी मोहब्बत के लिए बददुआ बन जाए। तुम मेरी उससे बात करवाओ, मैं उसे बताती हूँ। गुलाम तो मैं उसकी बन के रहूंगी जो मुझे अपना शौहर सौंप रही है। जिया, मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूँ। सना की इम्पोर्टेंस तो मेरी जिंदगी में सिर्फ एक एग्रीमेंट की है। मेरी बात सुनो, हम कल मिल रहे हैं ना? हाँ मिलूंगी। अच्छा सुनो रिजवान। ए राजू, रुक रुक, अरे उतर ना, सवाल कर रहा है एक तो, जिस मैं जवाब दूं। तुम कहीं जा रहे हैं? आओ हमारा साथ आओ, हम तुम्हें छोड़ देता हूँ। ताकि फिर तुम अम्मी से शिकायत लगाओ, तुम्हारा बेटी हमारे साथ बाइक पर घूमता फिरता है। अरे हम तुम्हारा शिकायत क्यों लगाऊंगा? तुमने पहले नहीं शिकायत लगाई जब मेरी सहेली के भाई ने हमें ड्रॉप किया था? किरण, वो तो हमको अच्छा नहीं लगा था। हाँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा जब मैं आपकी बाइक पे बैठूंगी और सारा मोहल्ला हमारे खिलाफ बातें बनाएगा। मोहल्ले वाले का हम जुबान खींचूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बाइक पे नहीं बैठूंगी, समझे? फिर कोर्ट मैरिज रिजवान नहीं कर सकती ना। जिया, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं निकाह हाँ को तुम्हारे घर ले आऊं और जबरदस्ती निकाह पढ़वा लूं तुमसे, तुम्हारी अम्मी के सामने। ये क्या कह रहे हो रिजवान? जिया, तो फिर मैं क्या करूं? मैं उन लोगों को गोली मार दूं जो तुम्हारे घर आज रिश्ता लेके आ रहे हैं तुम्हारा? किरण ने कहा है वो कुछ करे ही हमारे लिए। जिया, कोई कुछ नहीं करेगा, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता बगावत कर। रिजवान, तुम्हें हमेशा एक ही रास्ता क्यों नजर आता है? जिया, तो और क्या करूं मैं? मेरे बाबा तुम्हारे अबू की जान चली गई, किरण को बारो आंटी ने घर से निकाल दिया, लेकिन उनका इनकार इकरार में तब्दीली नहीं हो रहा। अब तुम क्या चाह रही हो, किसी मौजे का इंतजार कर रही हो तुम? रिजवान, वो किरण। जिया, मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना जिया, तो तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। जिया, नहीं नहीं रिजवान। हेलो हेलो रिजवान, मेरी बात सुनो। तुम आ गए किरण, सुनाओ नया घर कैसा है? खाक नया घर ना, गंदा इलाका है, मीठा पानी भी नहीं आता, बोरिंग का कड़वा पानी आता है, तो जैसे ही स्किन पे लगाएं स्किन झुलस जाती है। वो इलाका ही ऐसा है। और हाँ, मैंने तुम्हारा नर्सिंग का यूनिफॉर्म भी ऑर्डर कर दिया, जिसके लिए तुम घर से निकलती हो और आगे भी निकलती रहोगी।
लो। आप ले? मैंने ले ली, बैठो। अम्मी बहुत सख्ती करती हैं। तो कोई बात नहीं, जब पैसे कमाने लगोगी तो अम्मी की सख्ती प्यार में बदल जाएगी। लेकिन अभी मैं कमाती कहाँ हूँ, अभी पढ़ाई बाकी है, फिर जॉब ढूंढनी है, और नर्सिंग की सैलरी ही कितनी है, डॉक्टर बनती तो कुछ होता ना। अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम तालीम खत्म करने का इंतजार और जॉब ढूंढो? जी देखो किरण, तुम्हारी पर्सनालिटी में एक जादू है, लोगों को मुतासिर करने का जादू, अपनी तरफ खींचने का जादू। तो बस ये जादू चलाते जाओ और अपनी हालत बदलती रहो, मगर आहिस्ता आहिस्ता, साल ब साल, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि किसी को भी शक ना हो तुम्हारी तरक्की का राज क्या है। कैसी तरक्की? तुम्हारा हिस्सा। ये क्या है? खोलो। ये मेडिसिन? और ये मेडिसिन तुमने इस एड्रेस पे पहुंचानी है, और जो रकम मिलेगी तुम रख लेना, लेकिन इसके बाद 50-50 होगा। लेकिन ये मेडिसिन्स कहाँ से आई? हॉस्पिटल में ग्रांट आई है बाहर से, गरीब लोगों के लिए। बट यहाँ कौन गरीब है? कोई भी नहीं। इस पे सिर्फ हमारा हक है। और हाँ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ ड्रेसेस भी खरीदे, नए, बहुत प्यारे हैं, साथ लेके जाना। मैं ये ड्रेसेस घर नहीं लेके जा सकती, मम्मी बहुत सवाल करेंगी। आप एक काम करें, आप ड्रेसेस यहीं रख लें, मैं घर से नर्सिंग यूनिफॉर्म में निकलूंगी और यहाँ चेंज कर लूँगी, फिर घर जाते हुए वापस नर्सिंग यूनिफॉर्म पहन लूँगी। ये भी ठीक है। तुम अपनी अम्मी को कह देना किरण कि तुम्हें मेडिसिन सप्लाई का काम मिल गया, और जब पैसे तुम उनके हाथ में रखोगी तो फिर देखना, दिन ब दिन उनके सवालात भी कम हो जाएंगे। अच्छा, ये मेडिसिन तो पहुंचा दोगी ना इस एड्रेस पे? क्यों नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हो गया भाई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चाय पियो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? अभी सुबह तो आपने मुझे पढ़ने की इजाजत दी, और अब रिश्ते के लिए बुला रही हैं? जिया मैं सिर्फ निकाह का कह रही हूँ, और रुख्सती तो मैं तब करूंगी जब तुम अपनी तालीम पूरी कर लोगी। लेकिन अम्मी निकाह भी क्यों? अपनी हर फिक्र खत्म करने के लिए। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पर भरोसा है, लेकिन अब मैं भरोसों पर नहीं जी सकती। जिया तुम्हें अब मेरे फैसले पर भरोसा करना। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। तभी ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आओ, और वकार और उसकी माँ को सॉरी कहो। वकार ने अपनी शक्ल देखी है, दिल करता है मुंह तोड़ दूं उसका। फिर वही हरकत? आ रही हूँ, सॉरी। चलो शाबाश, तैयार हो और आओ। शक्ल देखी अपनी, आज तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। ढीठ इंसान, रोज ये रिश्ते वाले मुंह उठा के पता नहीं कहां से आ जाते हैं। बहन आपका मुझ पर बहुत एहसान है, आपने मेरी बात पर यकीन किया और सब गिले शिकवे मिटा कर चली आई। क्या करती, मैं तो वकार की मंगनी भी कर चुकी थी, लेकिन इसने एक ही रट लगाई हुई थी कि शादी करूंगा तो सिर्फ जिया के साथ। इतनी मोहब्बत करता है ये जिया से। लेकिन इस मंगनी का क्या होगा? मैं सुबह ही जाकर मंगनी की अंगूठी उनके मुंह पर दे मारूंगी। इंतहाई लफंगे किस्म के लोग हैं, लालची। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा जो कुछ भी है सब जिया का है, और मैं जिया को जहेज में सब कुछ दूंगी। लेकिन आंटी, जिया मान तो जाएगी ना? वो दरअसल मैंने
जिया के बारे में बहुत कुछ सुना। अरे बेटा वो सब कुछ झूठ है। ये किरण मनहूस ने ना किसी के साथ चक्कर चलाया हुआ था और नाम मेरी बच्ची का लग गया। लो आ गई जिया, अब खुद ही पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम बेटी, बैठो। जिया मैंने वकार को और उसकी अम्मी को सब कुछ बता दिया किरण के मतलब। शुक्रिया आंटी मुझ पे एतबार करने के लिए। वो तो किरण की वजह से, वरना आज मैं और वकार। सुन लिया, अब आपके सामने इसने सब कुछ बताया। बस अब आप निकाह की तैयारी करें। क्यों जिया बेटा? जी जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें। जिया तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने खुद से एक वादा किया था, जब भी शादी करूंगा तुमसे करूंगा। बस और कुछ? यही कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। मेरा यकीन करो जिया, मैं तुम्हारे लिए एक मेड रखूंगा जो कि तुम्हें पानी तक का गिलास उठाने नहीं देगी। बस और कुछ कहना है? जिया तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली दफा मिले थे, हमने साथ में बर्गर भी खाया था? हाँ वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। अच्छा तुम कल क्या कर रही हो? अगर तुम कहती हो तो हम कल चलते हैं फिर वही बर्गर खाने। अब हाँ तुम अम्मी से इजाजत ले लोगे? हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं अभी आंटी से बात करता हूँ। हाँ। चले चल। मैं तो सुन सुनकर कानों को हाथ लगाती थी जिया की दास्तानें, लेकिन ये तो तुम्हारी भांजी की कारस्तानें निकली सारी। अरे भांजी ना कहें, मेरी आस्तीन का सांप कहें, मेरी बच्ची को बदनाम करना चाहती थी दोनों माँ बेटी। उसी किरण की वजह से मेरी बच्ची का मेडिकल में दाखिला भी नहीं हो सका। वो तो शुक्र है कि मुझे होश आ गया, मैंने नीयत भांप ली दोनों की, वरना वो तो मेरी प्रॉपर्टी पर, बैंक बैलेंस पर, सब पर कब्जा करना चाहती थी। वो सब कुछ जिया के अब्बू जिया के लिए छोड़कर गए। अच्छा माशाल्लाह, कितना छोड़ गए हैं भाई साहब जिया के लिए। बेहिसाब, और जो कुछ भी है सब जिया का है। बस मैं तो चाहती थी कि आप तरह का कोई मुखलिस घराना मिल जाए जो जिया के साथ उसकी दौलत की भी हिफाजत कर सके। माशाल्लाह वकार बहुत ही मेहनती और ईमानदार बच्चा है। आ गए तुम लोग, दूर हो गए सब गिले शिकवे? जी मामा, कुछ दूर हो गए और कुछ रह गए हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। खैर आंटी, मुझे आपसे एक छोटी सी परमिशन चाहिए थी। क्या मैं जिया को अपने साथ बाहर लेके? हाँ हाँ, परसों तो तुम दोनों का निकाह है, तो फिर बानो भला क्यों मना करने लगी? क्यों भी बानो? आप हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ बेटा चाय तो पियो, बैठो। जी जी। आप मिस किरण? जी हाँ हाँ, मिस अरुणा ने आपका बताया था जी। आपकी पेमेंट, ये रही आपकी पेमेंट। थैंक यू। और आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं, ये रहा मेरा पर्सनल कार्ड। थैंक यू, लेकिन मैं सिर्फ मिस अरुणा के साथ काम करती हूँ। ओके दाफिस। थैंक यू। साबू, अरे ओ साबू, साबू, क्या बात है माँ? अरे जाकर देखो, सफिया लोगों के घर का गैस बंद हो गया, जाओ जरा भाग के देख क्या हुआ।
हाँ तो बंद रहने दो ना, हमने ठेका लिया हुआ क्या? तुझे क्या हुआ? हम किरण ने हमरा बहुत इंसल्ट किया। चलो अच्छा हुआ, इतना बड़ा बदमाश का किसी ने तो इंसल्ट किया। अम्मा तुम हमारा बदमाशी का मजाक उड़ा रहे हो। अरे हम जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या 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 है? किरण को पसंद करता है तुम? हाँ हाँ मैम, किरण को बहुत पसंद करता हूँ। तुम हमारा शादी के बात करो ना उससे। अच्छा वाह साबू, तुमने उनका गैस बंद किया, हम तुम्हारा शादी बनावे, वाह। अम्मा बंद रहने दो ना गैस, मिलने का बहाना बन जाता है। चल हट शैतान, चलो करूंगी बात में सफिया बहन से। बात करो ना, मस्त को बोलना। करूंगी भाई करूंगी। जहर फांक ले मगर शादी ना करें उस छिछोरे से। शादी वही करें जहां आपका दिल मानता है। मगर अम्मी नहीं मानेंगी। भले ना माने, आपका दिल तो मानता है ना। बेगम साहबा तो वैसे भी मानने वाली नहीं है, आपको मनवाना पड़ेगा। ये ले फोन, आप उनको फोन करके बताएं कि आप पर क्या कयामत टूट रही है। मैं तब तक बेगम साहबा को बातों में लगाती हूँ। खुशियों का राज सिर्फ दौलत में है। जिल्लत, मोहताजी और गुर्बत तो तुम पहले ही देख चुकी हो। क्यों? जी मैडम। ऐश करो। मैं मुझे अभी याद आया, जिया का निकाह है परसों बकार से। क्या? तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर पर होगा। क्या? हाँ, तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगी, तुम्हारे घर पर तुम दोनों का निकाह होगा। साया, साया, साया।